महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां वर्धा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 11 लोग नदी में डूब गए। नाव पलटते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। अब तक 3 लोगों के शवों को निकाल लिया गया है, जबकि 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये परिवार नाव से दशक्रिया की रस्म के लिए गाडे गांव गए थे। वहां से घर लौटने के दौरान नाव बीच नदी में पलट गई। नाव पलटने से उसमें बैठे सभी लोग नदी में डूब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल और स्थानीय विधायक देवेंद्र घटना स्थल पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बता दें कि वर्धा में पिछले 8 दिनों से भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। नदी के एक किनारे से दूसरी तरफ जाते समय नाव हादसे का शिकार हो गई। आशंका जताई जा रही है कि इस नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाव में करीब 30 से ज्यादा लोग सवार थे। नाव नदी के बीचों बीच डूब गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने फौरन राहत कार्य शुरू किया और कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं और 8 अन्य की तलाश जारी है। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों की भारी भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई। बता दें कि इससे पहले बीते सप्ताह असम में भी नाव की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया था। यहां जोरहाट में 2 नाव आपस में टकरा गई थी, जिससे एक नाव पलट गई थी और उस पर सवार 100 से अधिक लोग नदी में डूब गए थे। इस दौरान शासन प्रशासन द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकतर लोगों को बचा लिया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।